जानकार बताते हैं कि हास्य कलाकार मोहन चोटी राजस्थान के किसी कस्बे से भागकर मुंबई आए थे। मगर वर्चुअल स्पेस में मौजूद जानकारियों की बाबत मोहन चोटी महाराष्ट्र के बताए जाते हैं। इन जानकारियों पर यकीन करें तो मोहन चोटी का असल नाम मोहन रक्षाकर या मोहन आत्माराम देशमुख महाराष्ट्र के अमरावती में सन 1933 में जन्मे थे। क्योंकि अधिकतर जानकारियां उनको अमरावती का ही बताती है तो हम उनको अमरावती का मान लेते हैं। हालांकि इस बात का पक्के तौर पर दावा करना मुश्किल इसलिए भी है कि उनके साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी वेटरन एक्ट्रेस तब्बसुम के अनुसार वह राजस्थान के थे। उनके माँ बाप उन्हें बहुत पढ़ा लिखा आदमी बनाना चाहते थे और शायद इसीलिए उनके सिर पर एक लंबी चोटी रखी। जिसके होती है लंबी चोटी वह होता है ज्ञानी। उनके पिता ने जो कांस्टेबल होने के साथ साथ पुरातनवादी थे उनकी चोटी रख दी। पर ज्ञानी जी महाराज इतने ज्ञानी हुए कि चौथी जमात से आगे नहीं बढ़ सके। अब बात करते हैं उनकी चोटी की। मोहन रक्षाकर के नाम में चोटी उन्हीं की एक फिल्म के किरदार के नाम से जुड़ा और फिर उन्होंने उसकी लोकप्रियता को देखते हुए यही टाइटल स्थायी तौर पर रख लिया। कहना ना होगा कि यही उनकी पहचान का सबब भी बना। इसमें भी दो तरह की बातें हैं। कई मैगजीन्स चोटी का संबंध उनके बालों की रखी गई शिखा से बताते हैं। जब लोग उनको नाम से नहीं उनकी चोटी से पुकारते थे, वहीं एक धड़ा यह उपनाम फिल्म के उनके किरदार से जोड़कर बताता है। आपको अगर अभी याद ना हो कि मोहन चोटी कौन है तो बता दूं, 60 के दशक में धर्मेंद्र और माला सिन्हा की एक फिल्म आई थी अनपढ़। उस फिल्म का एक बेहद प्रसिद्ध गीत था, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। यह गीत मोहन चोटी पर ही फिल्माया गया है। मोहन चोटी ने बतौर जूनियर आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया। हालांकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पर वह बॉम्बई रंग ढंग से बेहद जल्दी वाकिफ हो गए। इसी समझ का परिणाम था कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की सभी नामचीन एक्ट्रेस के साथ किया। मोहन चोटी के स्क्रीन पैसेंजर्स का आलम ये था कि वह अपनी फिल्मों में बड़ी अभिनेताओं के रहते हुए भी दर्शकों की याद में रह जाते थे। वो एक नेचुरल एक्टर थे। महमूद जैसे हास्य अभिनेताओं के आसमानी दौर में उन्होंने महमूद के साथ काम किया और उनकी उपस्थिति में अपनी पहचान बनाई। सिनेमा में कॉमेडियंस का उनका दौर बेहद समृद्ध था। मोहन चोटी ने दो फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया, सन 1975 में धोती लोटा और चौपाटी और 1977 में एक फिल्म हंटर वाली बनाई। हंटर वाली को इस वजह से भी जानना चाहिए क्योंकि यही वह एक फिल्म थी जिससे 90 के दशक में चर्चित संगीतकार अनु मलिक के करियर की शुरुआत हुई। वैसे तो मोहन चोटी की मृत्यु 1992 में हुई थी पर पर्दे पर उनकी आखिरी उपस्थिति विश्वामित्र नमक टीवी सीरीज पर रही। सन 1954 से 1992 तक की सिनेमा यात्रा में उनके हिस्से भले 300 से ऊपर फिल्में रही पर जिन संदर्भों में सिनेमा जगत में सफल होना कहा जाता है वह मोहन चोटी के लिए 4 दिन की चांदनी जैसी रही। उनकी फिल्म हंटर वाली फ्लॉप हुई और वो भारी कर्जे में डूब गए। हालांकि उनके फिल्म बनाने के पीछे की एक कहानी है। मोहन चोटी के हवाले से कहा गया है कि फिल्मों में अपना स्थान बनाने के लिए सबसे बड़ी पूंजी है मेल मिलाप और धैर्य। जिसके पास ये पूंजी नहीं वह लाखों की धनराशि खर्च करके भी फिल्म बनाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे पास ना धोती थी ना लोटा, यानी पूंजी के नाम पर ठन ठन गोपाल, पर मैंने सब कलाकारों और तकनीशियनों तथा अपने यारों की मदद से उनके सहयोग से ये फिल्म पूरी कर ली है। अब तो भाग्य गंगा मैया के हाथ में है। मैं चौपाटी के सागर को नारियल भेंट आकर आया हूँ। कहते हैं मुंबई का सागर जब प्रेम भाव से अपना चढ़ाया हुआ नारियल स्वीकार कर लेता है तो आपको मुंबई नगरी में बड़ी कामयाबी मिलती है। मेरा अनुमान है कि सागर देवता ने मेरा नारियल स्वीकार कर लिया है। पर सच यह भी है कि हंटर वाली के बाद उन पर कर्जे का आलम ये था कि उनका अब तक का सारा कमाया हुआ पैसा खत्म हो गया और वो लगभग सड़क पर आ गई।
लेकिन पर्दे पर अपने अभिनय से दर्शकों को हंसाने वाले मोहन चोटी बेहद मजबूत कलेचे के आदमी थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब दिन बुरे हुए तो उन्होंने एक ढाबा किस्सा रोटी का ढाबा चोटी का नाम से खोला। पर अफसोस ये है कि इधर फिल्में फ्लॉप तो हुई कि ढाबा भी फ्लॉप हो गया। जैसा कि ऊपर बताया गया है, सन 1992 में मोहन चोटी का देहांत हो गया। मोहन चोटी के कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में देवदास, मुसाफिर, चलती का नाम गाड़ी, कागज के फूल, धूल का फूल रही। इसके अतिरिक्त उन्होंने अब दिल्ली दूर नहीं, जागृति, दिल भी तेरा हम भी तेरे, राखी, अनपढ़, ब्लफ मास्टर, वह कौन थी जैसी फिल्मों में उत्कृष्ट भूमि निभाई। मोहन चोटी बचपन में स्कूल से भाग जाते थे, थोड़े बड़े हुए घर से भागे, एक नाटक कंपनी में कुछ रोज काम किया, फिर वहां से भी भागे, भागकर मुंबई आए। यहां दादर की फुटपाथों से उठकर हिंदी सिनेमा के रूप पहले पर्दे पर चमके और फिर चमक कर एक रोज बुझ गए। जीवन का फलसफा दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का है। मोहन चोटी के जीवन का दिया भले बुझा हो, पर उनके दिन की चमक हिंदी सिनेमा के पर्दे पर स्थायी रूप से छपी हुई है। मोहन चोटी की जीवन कहानी संघर्ष से भरी रही है। इसके बाद कॉमिक रोल में फिल्मों में सफलता मिली, लेकिन अंततः दर्द और पीड़ा में समाप्त हुई। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत देवदास 1955, परिवार 1956 और मुसाफिर 1957 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं करके की, जहां उन्हें पहली बार नोटिस किया गया और उन्हें उनका प्रसिद्ध नाम मोहन चोटी मिला। वह फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1958 में अपनी भूमिका से प्रसिद्ध हुए और लोकप्रिय हो गए। बाद में उन्होंने दिल तेरा दीवाना 1962, राखी 1962 आदि फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। हालांकि 60 के दशक के अंत तक उन्हें छोटी हास्य भूमिकाएं ही मिलने लगी। बाद में वह फिल्म धोती लोटा और चौपाती 1975 और हंटर वाली 1977 से निर्माता और निर्देशक बन गए। इन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ा, जिससे वह कभी उभर नहीं पाए। हालांकि उन्हें फिल्मों में कॉमिक रोल मिलते रहे और उनकी आखिरी फिल्म मुकद्दर का बादशाह 1990 थी। 1 फरवरी 1992 को उनका निधन हो गया। उनके आखिरी दिनों में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें भुला दिया था और वो आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।